भाई बहुत गंदा। लोग के रिएक्शन देखो भाई, यहाँ ओ तेरी पूरा कुनवा देख रहा है। तो टंकी फुल कर रहे हैं भाई, यहाँ ऊपर तक भरो, ऊपर तक बस 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 बस। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 10 लीटर लगाया भाई, 173.5। तो भाई मम्मी को किस करिए, बहू ने दिखाना किस दिखा किस तो बड़ी जोरदार करिए भाई है ना? मम्मी मम्मी नाराज हो गई है तुमसे। मैंने कहा तुम किस करोगी, मम्मी जब ही खाएंगी। तो उसने किस करी दे। यो मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। तो भाई आप सभी को याद होगा, तो हम शादी में आ रखे थे अपनी नानी के घर, और शादी हो चुकी है सक्सेसफुली, सब फंक्शन हो गए, तो अब सारे निकल रहे दिल्ली के लिए। तो ये रही नानी मेरी। तो यहाँ पे ना भाई हाथरस में हूँ मैं अभी, हाथरस में ना बंदर बहुत ही ज्यादा भाई, तो यहाँ पे बंदर बहुत है, तो सब लोग ना जाली लगा के रखते अपने घर में। ये देखो भाई बंदरों के मारे हर जगह जाली मिलेगी। तो मेरी बाइक ना इनके घर खड़ी कर दी थी क्योंकि बंदर इतने सारे थे। तो ये रही अपनी हायाबुसा, इससे जाएंगे दिल्ली। अभी कर रहा हूँ मैं तो, अभी अपन क्या करेंगे, अभी दिल्ली जाऊंगा मैं एक्सप्रेस वे से, नोएडा एक्सप्रेस वे से। तो अपन ना इसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली एवरेज देती कितनी है। ठीक है भाई, सारे जा रहे हैं, सबको बाय बाय बोल रहे हैं। तो ये मेरी मौसी की गाड़ी जा रही है, गुड़गांव रहती है। बन रही है, एक्सपोज करूंगा दीदी को, रो रही है, इतने इमोशनल होगी दीदी है। अरे आप विदाई होके थोड़ी जा रही हो, आप क्यों रो रही हो? अच्छा पापा की याद आ रही है। चलो चल राहुल, ओके ठीक है भाई। तो भाई ये था हाथरस, अब सारी शादी निपट गई है, अब अपन जाएंगे हनीमून, और सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, अपना घूमने जाएंगे, ये जाएंगे हनीमून पे। तो भाई तुम्हारा भाई तो सिंगल फॉर एवर, सिंगल ही पैदा हुआ था, सिंगल ही खैर मरना तो नहीं है दोस्त। तो देखते हैं भाई, मेरा भाई जा रहा है अभी कश्मीर जाएगा, कल इसकी फ्लाइट है, तो ये हनीमून मनाने कश्मीर जा रहा है। मैं भी चलू क्या, इसने मना कर दिया, नहीं बेटा कहीं तो अकेले जान दे। तो ठीक है भाई, ये अपना एंजॉय करने जा रहा है, तो अपन जाएंगे शायद मनाली या विंटर स्पीति मारेंगे, एक दो दिन में निकलना है। कल मेरे को अपनी थार में कुछ काम कराना है, मॉडिफिकेशन करानी है स्नो राइड के चक्कर में, और हायाबुसा को छोड़ दूंगा कलर के लिए। ठीक सबके, ओह डर गए, लोगों के तगड़े रिएक्शन आ रहे हैं भाई। तो अभी भाई सीन ऐसा है, अभी पेट्रोल अपन टंकी फुल कराएंगे और इसके देखेंगे एवरेज कितना दे रही है बाइक। डर गए भाई बंदे। नॉर्मल पेट्रोल है बीस पच्चीस मिनट लगेंगे। तो भाई यहाँ लोग इकट्ठे हुए। हाँ भाई कैसी लगी बाइक, कौन सी बाइक है? अरे यार ये गांव की रोड ना खड्डे से भरी है भाई, पता नहीं क्या सीन है। एक चीज तो मैंने देखा यूपी में ना, मतलब रोडों का हाल बहुत बुरा है, इतना अच्छा है नहीं मामला। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ भाई बहुत गंदा कट्टा है। बच गए। लोग के रिएक्शन देखो भाई, यहाँ ओ तेरी पूरा कुनवा देख रहा है, कचौड़ी खाते खाते हंस रहा है, हर आदमी देख रहा भाई क्या बवाल आ गया ये। यार डर लगता है कभी भी कोई गड्ढा आ जाए ना, रोड बहुत ज्यादा खराब है। तभी क्या करेंगे अपन, टैंक टू टैंक माइलेज कैलकुलेट करेंगे, जो टैंक टू टैंक होता है ना वो बड़ा एक्यूरेट होता है। तो अभी यहाँ से टंकी फुल कराएंगे एक्सप्रेसवे, 5-10 किलोमीटर बाद एक्सप्रेसवे चढ़ रहा सीधा, फिर जो मेरा घर है वहाँ उतरेंगे और फिर देखेंगे टंकी फुल करा के कि कितने का माइलेज दी बाइक ने। और ये हाईवे का होगा पूरा माइलेज ना, क्योंकि पूरी रोड खाली है, देखो वो जा रहे हैं मेरे मौसा जी सामने, तो पूरा हाईवे का होने वाला है, तो मज़ा आ जाएगा। तो हाईवे पे आपको पता लगेगी जब संडे राइड होती है, तो ये हायाबुसा कितने का पेट्रोल खाती है भाई। 20 लाख की हवाबूसा नहीं हायाबुसा। टंकी हो गई थी, अभी टैंक फुल करा रहे हैं, देखते कितने का होता है आधी टंकी इसकी, चोचे तक भरना ठीक है भाई। जोन 800 858 ठीक है, स्कैनर देना
भाई इसकी ट्रिप ना अपन जीरो करते हैं। हाँ हो गई जीरो, तो ट्रिप टू है जीरो, ठीक है। तो भाई ये देखो ये पूरा मैप है जहाँ मेरे को जाना है, 167 किलोमीटर दूर जाना है और 3 घंटे लगेंगे करीब मेरे को, रात को 8 बजे तक पहुँचूंगा, ठीक है। और ये एक्सप्रेसवे चढ़ जाएगा यहाँ से करीब, ये देखो करीब 10 किलोमीटर बाद एक्सप्रेसवे चढ़ जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है। यहाँ तो भाई मजमा लग गया, हर आदमी देख रहा तो अपन चलाने वाले हैं इसको सी मोड में, क्योंकि मैं ज्यादातर ना सी मोड में ही चलाता हूँ, क्योंकि ए मोड में ना ये बहुत एग्रेसिव हो जाती है। दिल्ली जाते हुए ना आपको बहुत अच्छे अच्छे गांव दिखेंगे यहाँ पे, राया, मुरसान, हाथरस, मथुरा, ये सारे, ये देखो यहाँ के गांव, खेत ही खेत, क्या मजेदार वाइब है भाई, यहाँ की सुकून भरी लाइफ है। मैं देखता हूँ यहाँ का आदमी ना भाई शांति से रहता है, कोई रेस में नहीं दौड़ रहा। दिल्ली का आदमी ना टेंशन में रहता है और सामने वाले को देख के और टेंशन में रहता कि बहस किया ये कर रहा है, मैं ये कुछ नहीं कर पा रहा, मैं ये कर। यहाँ के लोगों में कोई जेलेसी नहीं, कुछ नहीं, मस्त खेतीबाड़ी करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, हगते हैं, बस पूरे दिन ऐसे ही रोड पे गाड़ी बाइक के देखते रहेंगे, बस ये जिंदगी है। ट्रेन आती है ना फटे से इतना लंबा जाम लग जाता है ना, देखो कैसे कैसे निकालनी पड़ रही है भाई मेरे को, कच्चे रास्ता, बस डर है टायर पंचर ना हो जाए, क्योंकि इसके टायर ना सॉफ्ट कंपाउंड के होते हैं, हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट टायर होते हैं और 4000 ही किलोमीटर चलते हैं इसके टायर, और एक टायर 25000 रुपये का आता है भाई खर्चे, अरे टायर साथ ही चल रहे लो जी, टायर का नाम लिया देख रहे हो, काश मैं टायर के अलावा सोने की बात कर रहा होता तो सोने का बैग आता मेरी इस लेडीज को डराऊँ। तो भाई अभी अपन आ गए हैं एक्सप्रेस वे पे, और ये एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेस वे का वो वाला कट है, जब आप देखते हो वृंदावन वाला कट है ना, ये वृंदावन वाला ही कट है, सीधा रोड जाएगी वृंदावन और अपन ऊपर से सीधा दिल्ली निकल जाएंगे। में आपका स्वागत है, तो यहाँ सटर पटर खेचेंगे एकदम, क्या भाई हिरन है, देखो हिरन थोड़ा सा खेच के देखते की में चली गई सजी भी 140 पे खेच रहे हैं, अपनी स्कॉडा देख रहे हो, कंट्रोल से बाहर जा रही है, ये छठे गियर पे खींच रहे हैं भाई, बहुत तेज चलती है भाई, बहुत तेज, ये सी मोड में चला रहा हूँ मैं, एक चल गई ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर और कोई हल्की सी भी नीचे नहीं आई है इसका ना। इस बाइक का सबसे बढ़िया मेरे को जो सौदा लगता है ना, वो ये 2 मीटर लगते हैं जब इनकी दोनों की सुई यूं जाती है ना, श्यू, ये देखो ये बड़ा, ये क्या बोले इसको, क्या ही बोलूँ इसको, लेजेंडरी बोलेंगे मीटर इसको, ऐसा मीटर मैंने कहीं देखा नहीं और बनता नहीं, और डिजिटल वाले मीटर में ना आप फील नहीं आती है, ये पूरा 300 जाती है टक 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 टक। तो ये रखे मौसा जी अभी यहाँ पे फोटोशूट, तो दीदी ने लगा लिया मेरा हेलमेट तो अभी सारे फोटो शूट कर रहे थे, इतनी बढ़िया लाइट आ रही है ना यहाँ पे, क्या बोले, दीदी बैठ गई आप उसे चलाएंगी, कैसे चलाओगी, चलाओ दीदी आप भी जोर से करो करो, संभाल नहीं पाएंगे तो भाई आज अपन दे रहे हैं गौरी दीदी को राइड, अभी अपन दोबारा चलने लगे हैं और भाई सन ऑलमोस्ट छुप सा गया है भाई, ये वाली जो वाइब है ना भाई, मैं शब्दों में नहीं बता सकता भाई, घर से निकला करो, एंजॉय करा करो जिंदगी भाई, ये 60 रुपए का है तो टोटल 130 रुपए का टोल लगा है मेरा, तेरी रिएक्शन देखो भाई, भाई भयंकर रिएक्शन है भाई, गजब, कहाँ लगाऊं गाड़ी अपनी,
यहाँ लगाते हैं यहाँ। ये सब्सक्राइबर आ रहे हैं भाई भाग के पीछे। ये आ गई मम्मी मौसी। तो भाई लौंडे आ रहे हैं अयोध्या से दर्शन करके। ठीक है भाई चलो मिलते आ जाओ। तो सब्सक्राइबर बहुत मिलते हैं दीदी, देख रही हो जहाँ जाते हैं वहाँ सब्सक्राइबर। तो भाई अच्छा लगता है दिल से, थैंक यू। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो अपने चैनल। को दो सब्सक्राइबर मिले भाई। आपकी नई नई शादी हुई है? है? हाँ जी सर। क्या बात है। और इनकी भी होगी? नहीं ये मेरी बच्ची है। तो भाई अभी अपन ने चाय पकौड़े खा लिए हैं, ये पूरा सब फिनिश हो चुका है। चले भाई? चलो जी अब चलते हैं भाई। अपन ने खा पी लिया है, अब सीधा नॉन स्टॉप घर चलते हैं। किलोमीटर देखो कितने हो गए भाई। भाई ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो गए और सुई भी ऑलमोस्ट फुल ही है भाई, एक डंडी भी नहीं गिरी है। चलो जी। और मैं एक बात बता दूं, अगर इस भूसा को भाई आप करीब 100 120 110 पे क्रूज करोगे ना तो ये नाना करता है 20-22 का एवरेज देती है हाईवे पे। बट मैं तो बहुत ब्रूटल चला रहा हूँ इसको, 200-250 पे चलाया अपने, देखा। अब देखते हैं अब कितने की एवरेज निकलेगी, वो तो घर जाके पता चलेगी। बट नाना करते हो 1500 तो ऊपर आएगी एवरेज, देखना भाई। तो बहुत मतलब सुपर बाइकों में ना सबसे बेस्ट और लो मेंटेनेंस बाइक यही, इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। दूसरा आप इसको सेकंड हैंड मार्केट में कित, मान लो आपने 14 लाख की बाइक ली, आप उसको एक साल चलाने के बाद भी बेचोगे ना तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 13.5 लाख की बिकी जाएगी वो। ठीक है तो 50,000 रुपये में आपने पूरे साल भर मौज ले ली और इसमें कोई खर्चा मांगता नहीं। इसका इंजन भाई करीब 50 से 1 लाख किलोमीटर चलता है भाई। हायाबुसा के इंजन में कभी कंप्लेंट नहीं आती। खत्म हो गया और कितना सुंदर लग रहा है भाई। ग्रेटर नोएडा हाई राइज बिल्डिंग है, देख रहे हो भाई। मेरा बड़ा मन करता है हाई राइज में फ्लैट खरीदूं, सबसे टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस हो और जकूजी और स्विमिंग पूल हो, इन्फिनिटी भाई। जिंदगी स्वर्ग है भैंस की। मरने से पहले ये मौज तो लूंगा भाई, मैं ऐसे नहीं मरूंगा। कमा कमा के मर गए भैंस क्या, कमा के मौज लेके मरे भैंस, तभी तो मजा है जिंदगी का यार। तो भाई अभी अपन टोल पार कर रहे हैं ये D&D वाला और नोएडा से अभी दिल्ली एंटर कर चुके हैं अपन। और ये तो भैया ये घर पहुंचते पहुंचते एक आध के तो बच्चे निकल पड़े होंगे भैंस की आंख देखना कितना लंबा जाम है। तो भाई अभी सीन ऐसा है, GoPro की बैटरी तो हो गई है पूरी डेड। ठीक है तो अभी अपन मोबाइल से बनाते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ दिल्ली। ठीक है तो ये दिल्ली है, दिल्ली है ना भाई? है हाँ दिल्ली है भाई। तो टंकी फुल कर रहे हैं भाई यहाँ ऊपर तक, भरो ऊपर तक। बस 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 इतना काफ़ी, इतना था। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 10 लीटर लगाया भाई, 10 लीटर 990 रुपये का पेट्रोल आ गया। मैं आपको दिखा दूँ एक किलोमीटर कितनी चली है, तो उससे एग्जैक्ट निकली 173.5। ठीक है अब घर जाके कैलकुलेट करते हैं, मैं पहले घर पहुंचूं। सो गाइस फाइनली अपन आ गए थे घर। मैंने भाई लाखों कीड़ों की हत्या कर दी है, देखो भाई कितने लाखों कीड़े मर चुके हैं भाई इस पे हेलमेट पे। ये देखो चारों तरफ सिर्फ कीड़े ही कीड़े मर गए। हाई स्पीड में यही प्रॉब्लम आती है, इसलिए ना हेलमेट बहुत जरूरी है। कहा है हमारा डोले? डॉलर कालू कैसे हो मिस्करा साले? हाँ हाँ ठीक है, अगली बार तेरे को भी लेके जाऊंगा। सॉरी खुशी। बहुत दिन बाद अपन गेड़ी मारने जा रहे हैं, तो ये मैंने कुर्सी उर्सी ले ली है पीछे और सारे वेट कर रहे हैं मेरा भाई। मजा आ जाएगा आज सबके साथ ना, मुझे बहुत दिन बाद मैं गेड़ी। देखो कौन मिला अपने को। आ जाओ जी आ जाओ। अच्छी नहीं लग रही क्या? क्या है चलो कुछ ये बताएगी मेरे को, बताओ क्या सीन है? कुछ नहीं मैं अच्छी लग रही हूँ। तो भाई मेरी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, DIF कम हो गया है, इसकी हवा हुआ टायर की कम हो गई है और पीछे की लाइट फ्यूज है। तारीफ करने के लिए बोला था। तारीफ मेरे से नहीं होती, झूठी तारीफ मैं नहीं कर सकता भैया, पाप पड़ेगा। हमारा बचपन का मित्र ये अपार खेड़ा ब्रो, क्या क्या सौदा जा रहा भाई? खड़ा खड़ा जा रहा सौदा, क्या हाल है भाई तुम्हारी? थार इतनी गंदी कैसे हो रखी है? कुर्सी लेके आयो? एक मेरी कुर्सी गाड़ी में नहीं है, एक सिंगल लाया हूँ, मेरी कुर्सी गाड़ी में नहीं है, पता नहीं क्यों। तो भाई अपना ना आज बॉनफायर का सीन है, ऊपर लकड़ी वकड़ी रख लिया और थाल लेके जा रहे हैं क्योंकि अपन जाएंगे आज जंगल में पार्टी करने। तो भाई अभी अपार बेड़ा सॉरी अपार खेड़ा, अपार खेड़ा भाई की कोई फ्रेंड आ रही है तो इनकी बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड है तो सबको पिक करेंगे, फिर अपन जाएंगे जंगल में। जा रहे भाई डैम पे? डैम पे जाएंगे और डैम करेंगे वहां पे जाके। देख कैसे कर रहा, देख कैसे खड़ा हुआ। अभी हमने सारे दोस्तों को इकट्ठा कर लिया है और एक ये आई है नई फ्रेंड हमारी, हेलो। तो अभी एक बंदा और आ रहा है, जटायु भाई हमारे।
जटायु की जटा कट चुकी है, गाड़ी लगा रहा है। अभी हम जंगल में जा रहे हैं तो अपनी इसकी गाड़ी जाएगी नहीं जटायु भाई की। ये हमारे भाई आ गए, मेरी जान, बहुत दिनों बाद। बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई बहुत दिनों बाद पाड़ी। सारे इन हर गाड़ी में ठुसे पड़े लोग, ये देखो। तो आप ये भाई, हाँ भाई, ओके, रिपोर्ट जा रहे हैं। लटके हुए। तो भाई ये देखो, शादियों में से होते हुए जा रहे हैं और भाई को सब देख रहे हैं भाई। सारी लड़कियां देख रही हैं भाई, वाह वाह। 25 लौंडे खड़े भाई, बोल सुट्टा मारते हुए जा रहा भाई है। अर्जुन ले लिया बन के पूरा। अभी पार्टी के लिए ना ये स्पीकर चार्ज लेगा, तो इन्होंने क्या करा, पहले यहाँ से लिया आउटपुट, फिर इसमें डाला और फिर यहाँ से। भाई ये बड़ी सही चीज है यार, ओवरहीट तो नहीं करेगी गाड़ी। चलो जी, हाँ। और भाई यहाँ सीन बन चुका है सेट, ये देखो भाई सीन सेट हो रखा है। तो भाई ये देखो, अभी पार्टी का सेटअप अपन ने कर लिया और दिखाता हूँ हल्का सा। इनको ना व्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब इनकी प्राइवेट चीजें लीक करता हूँ। तो ये देखो सारे बातें कर रहे हैं वहाँ पे, बातें बातें चल रही है। और भाई क्या व्यू है बॉस, चारों तरफ जंगल है भाई, ये देखो वाओ। और वहाँ पे भाई तारे वारे। तो भाई अच्छा लगता है मेरे को ना, 24 घंटे हम काम करते रहते हैं, फिर कभी कभी ऐसे चल भी। तो भाई ये चल रही है पार्टी अपार खेड़ा भाई, एक बारी गाना गा दो यार। दे मुझको इतना यकीन है, दिल बेकरार, सबका दिल बेकरार हो रहा है भाई। भाई अब डांस सेशन हो रहा है भाई, अब अपार खेड़ा नाचेगा भाई। ये बॉय आहा, एक बारी शर्ट उठा के भाई जेब में हाथ डाल के। हाँ ये, वाह भाई वाह, भाई अपार खेड़ा बढ़िया डांस करता भाई। तो भाई है ना, बढ़िया पार्टी चल रही है भाई, सारे एंजॉय कर रहे हैं भाई। ये देखो, हाँ पार्टी चल रही है और यहाँ पे सारे एंजॉय कर रहे हैं। दिखी रहा है वैसे, यहाँ पे ना कोई एंजॉय नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं दिल्ली है यहाँ पे क्या एंजॉय करेंगे। तो देखो ये है एंजॉयमेंट, वो भी दिल्ली में लोग है ना ये एंजॉय करने के लिए। भाई किसी को ये स्पेस पता नहीं है ना दिल्ली में, और हम बताएंगे भी नहीं। हाँ मेरे को इन्होंने स्पेशली मना करा कि भाई ये स्पेस बतानी नहीं है किसी को। हाँ क्योंकि फिर बोले भाई आएंगे फिर भाई हमारी पर्सनल स्पेस रिवील हो जाएगी। तो ये देखो, तो भाई रात को इतनी भयंकर पार्टी हुई थी, मैं थक गया था और आते ही मैं सो गया था। तो अब जाके एवरेज कैलकुलेट करते हैं कितनी एवरेज बनी हायाबुसा की। तो भाई हाथरस से दिल्ली तक हमारी हायाबुसा चली है 173.5। देखो भाई 173.5 एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड करेंगे जितने लीटर डीजल पेट्रोल आया। अरे मैं पेट्रोल डाला था 10.24, तो ये आ गया एवरेज ऑलमोस्ट 17 की एवरेज दी जिसमें मैं 200 पे भगा के आया था। तो एक 17 की एवरेज एक सुपर बाइक जैसे 4 सिलेंडर इनलाइन 4 सिलेंडर दे रहा है, तो भाई बहुत अच्छी बात होती है। आज मम्मी को बहुत बताता हूँ ये खुशखबरी, 17 की एवरेज मैंने इमेजिन नहीं करी थी। आज तक मेरे को लगता था ये 11-12 की एवरेज दे रही, मैं 10 लोगों को यही बताता था 11-12। आपको पता है हमारी हायाबुसा कितने का एवरेज देती है? नहीं 17 किलोमीटर का एवरेज देती है। हायाबुसा छाती में लेके चलता तो खर्चा तो निकालू ना।